जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आपने अप्लाई किया था जो कि 4919 वैकेंसी, तो इसी बीच आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसी बीच यहां पर आप सभी के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बदलाव के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। आखिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि क्या कितनी बार बदलाव होगा और कितनी बार यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें अगर देखा जाए तो बच्चे जो तैयारी कर रनिंग के उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर समझ में आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आप सभी को यहाँ पर तीन प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तीन प्रूफ आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आप सभी के फिजिकल यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं, जिससे कि बच्चे यहाँ पे तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि दौड़ के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे पुरुष की जो दौड़ होने वाली है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर होगी और 60 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे और हम भी यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पुरुष अभ्यर्थी की दौड़ होगी वो यहाँ पे 10 किलोमीटर होगी और 60 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। वहीं अगर महिलाओं की दौड़ की बात करें यहाँ पर, तो बताया गया है 5 किलोमीटर और 30 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। ये चीज़ें जब एसएससी बात करें यहाँ पे, जब यहाँ पे जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 4919 पदों वाली वैकेंसी झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये बातें यहाँ पे कही गई थी। लेकिन अगर देखा जाए इसी बीच यहाँ पे एक नई नोटिस आई, उसके बाद कौन सी नोटिस आई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया। देखिए हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया जो कि यहाँ पे 4919 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको नोटिस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पुरुष अभ्यर्थी की जो दौड़ होगी वो 10 किलोमीटर होगी 60 मिनट में, और ऐसा ही नोटिफिकेशन में लिखा गया था जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और महिलाओं के लिए आप सभी देखिएगा यहाँ पे बदलाव किया गया, क्या किया गया, महिलाओं की जो रनिंग होगी वो यहाँ पे 5 किलोमीटर होगी और 40 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 मिनट जो पूरा करने समय था वो यहाँ पे 10 मिनट बढ़ा दिया गया और यहाँ पे 40 मिनट कर दिया गया। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया गया कि उत्पाद सिपाही की यहाँ पे भर्ती चल रही, जिसमें 583 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। ठीक है, उत्पाद सिपाही की भर्ती काफ़ी ज़्यादा उत्पाद मचा के गई है और काफ़ी सारे बच्चों की इसमें मृत्यु भी हुई है, काफ़ी सारे बच्चे बेहोश भी हुए थे। पता नहीं क्यों हुए, इंजेक्शन कारण हुए या फिर तैयारी कम थी इसके कारण हो गए, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये सारे कारण को देखते हुए यहाँ पर रनिंग में बदलाव करने की बात कही जा रही थी। इसी बीच यहाँ पर ये बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ, फीमेल की रनिंग की टाइम यहाँ पर बढ़ा दिया गया और मेल का जैसा था वैसे ही रहन दिया। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे क्या वायरल हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में ये पेपर कटिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है सिपाही बहाली के लिए निर्धारित दौड़ की सीमा घटेगी, प्रस्ताव तैयार। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि जो दौड़ की सीमा घट चुकी है महिलाओं की, क्या उसकी बात की जा रही है, या फिर जो अभी 10 किलोमीटर रनिंग है एक घंटे के अंदर मेल को क्वालिफाई करना है कि उसमें घटोत्तरी होगी, क्या होगा वो मैं आपको इसी में आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया झारखंड पुलिस में करीब 5000, मतलब 4919 है, इसको 5000 बता दिया गया अखबार की तरफ से। ठीक है, यहाँ बोला गया है 5000 सिपाहियों यानी आरक्षियों की बहाली होनी है। इसको देखते हुए पहले से दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे। इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, मतलब अभी एक बैठक होने वाली हाल ही में, इसी में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, वहीं पर लिखा गया है कि अंतिम निर्णय लिया जा सकता है उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शुरू हुई, यहाँ पर लिखा गया है उत्पाद सिपाही की जो हुई थी शारीरिक परीक्षा, मतलब फिजिकल जो हुआ था, उसमें 16 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया। मतलब पुलिस मुख्यालय की तरफ से, भर्ती बोर्ड तरफ से यहाँ पे प्रस्ताव भेजा गया है सीधे मुख्यमंत्री के पास, जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। ठीक है, उनके पास भेजा गया और ये बताया गया कि आखिर रनिंग में कुछ यहाँ पे बदलाव किया जाए, जिसकी वजह से उत्पाद सिपाही में काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो गई। जो यहाँ पे नई भर्ती है 4919 पदों में, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया जाए, नहीं तो आगे भी अनहोनी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया, बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान ही अधिकांश अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। उसके बाद लिखा गया, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े किए थे कि उल्लेखनीय है कि जुलाई में सेना में अग्निवीर की बहाली को लेकर
खेलगांव स्टेडियम में दौड़ आयोजित की गई थी। ये चीज़ें यहाँ पे क्या लिखी गई है, पॉइंट वाली बात है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है इसको लेकर राजनीति दलों, ठीक है, राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े किए थे कि उल्लेखनीय है कि जुलाई में सेना में अग्निवीरों के बहाली को लेकर खेलगांव स्टेडियम में दौड़ आयोजित की गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, जबकि झारखंड पुलिस के अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। मतलब एक एग्जांपल दिया गया कि अग्निवीर में देखिए 1.6 किलोमीटर यानी बात की जाए तो 1600 मीटर रनिंग होती है, लेकिन एक झारखंड पुलिस कांस्टेबल है जिसमें 10 किलोमीटर रनिंग हो रही है। उसके बाद बताया गया बहाली की दौड़ के लिए पहले से चल रहा नियम पुरुष अभ्यर्थी, देखिए पहले से जो नियम चल रहा था वो यहाँ पे बताया गया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर रनिंग थी, ठीक है, दूरी तय करनी थी, जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए 40 मिनट में, देखो जो टाइम यहाँ पे बढ़ाया गया, इस अखबार को देख के क्या लगता है कि जो नोटिस जारी किया गया फीमेल की रनिंग में बदलाव को लेकर, ठीक है, उसको उसके बाद ये पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, और ये पेपर कटिंग जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रनिंग में बदलाव को लेकर बहुत दिनों से बातें चल रही थी तो अखबार वाले भी उठा के छाप दिए, ठीक है, इनके पास प्रूफ भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लिखा गया है जबकि महिला अभ्यर्थी ने 40 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करना, अभी हाल ही में जो फीमेल रनिंग को लेकर बदला हुआ था उसको भी देखो इसमें इंक्लूड किया गया है, पहले 30 था 40 किया गया, अखबार में देखिए 40 भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव, पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब देखिए पुलिस मुख्यालय का पहला प्रस्ताव, मतलब जो यहाँ पे भर्ती बोर्ड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है प्रस्ताव, उसमें क्या लिखा गया है बदलाव को लेकर, देखिए ये बदलाव यहाँ पे हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से अगर मोहर लगा दिया तो ये बदलाव हो सकते हैं। देखिए पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर रनिंग की दौड़ 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, अगर बदलाव होता है तो ये चीज़ें मतलब प्रस्ताव में भेजी गई हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग पुरुष के लिए होगा और 30 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। वहीं लिखा गया जबकि महिला के लिए 20 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर की रनिंग की दूरी यहाँ पर तय करनी हो, मतलब इस प्रकार से प्रस्ताव जो है आगे के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव तो ये हो गया पुलिस मुख्यालय की तरफ से, दूसरा प्रस्ताव क्या है कि सेना की तरफ पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो। मतलब अगर देखा जाए तो भर्ती बोर्ड तरफ से यहाँ पे दो प्रस्ताव भेजे गए हैं, अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा, श्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर यहाँ पे दोनों प्रस्ताव में से कोई भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये बच्चों के पक्ष में होगा, ठीक है, जो बच्चा तैयारी कर रहा मन लगाकर उनके पक्ष में होगा, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर खुशी की लहर आएगी, ठीक है। 10 किलोमीटर देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल हो रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे जब रनिंग आप सबकी 5 किलोमीटर हो जाएगी या फिर 1600 मीटर हो जाएगी ये अभी यहाँ पे कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकते हैं जब भर्ती बोर्ड द्वारा यहाँ पे भेजा गया है मुख्यमंत्री जी को तो कुछ ना कुछ तो बदलाव यहाँ पे होगा, और जल्द ही यहाँ पे एक नोटिस आप सभी को JSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया प्रस्ताव के अनुरूप ही तय होगा आगे का नियम, मतलब जब प्रस्ताव यहाँ पे जारी होगा, मतलब जैसे प्रस्ताव भी भेजा गया है, जब इसकी तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी मुख्यमंत्री तरफ से तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया विभागीय अधिकारी जब यहाँ पर प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होगा विभागीय अधिकारी बताते हैं, मतलब जो विभाग के अधिकारी हैं वो बताते हैं कि सरकार के स्तर पर जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी उसी के अनुरूप पुलिस मुख्यालय नियम बनाकर गृह विभाग को भेजेगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर गृह विभाग से अधिसूचना जारी होगी, इसके बाद झारखंड पुलिस में सिपाही की बहाली को, ठीक है, लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजेगा, ठीक है, इतना सारा चीज़ होने वाला है। उसके बाद आयोग से झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी लास्ट में फिर आप सभी के JSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये भर्ती 4919 वैकेंसी है, पहले ये यहाँ पे डिले हुई उत्पाद सिपाही को लेकर, बाद में फिर ये डिले हो रही है अब यहाँ पे बदलाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये सारी चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है ना, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे एक नोटिस जारी करके आप सभी का फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे सावधानी करके अगर देखा जाए सारी चीज़ों को समझने के बाद क्या निर्णय निकल के आता है हमारी तरफ से, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस में अपना शेयर कर रहा हूँ कि आप सभी के जो फिजिकल हैं वो अक्टूबर के लास्ट तक ही शुरू हो सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर शुरू होने के
कोई भी चांसेस अब नहीं है, क्योंकि आपकी रनिंग में बदलाव होगा, ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे यहाँ पे हरी झंडी मिलती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद आप सभी के बदलाव हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और उत्पाद सिपाही की भर्ती जो आई थी वही उत्पाद मचा के गई है, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना है, जैसे भी कोई अपडेट आएगी या फिर कोई नोटिस जारी होगा तो मैं आप सबके लिए वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और साथ ही जैसे फिजिकल शुरू होगा 4919 पदों का, हम आप सबके लिए सेंटर से लाइव वीडियो डालेंगे चैनल पर, जिससे कि आप सभी देख सकेंगे, सेंटर से जाकर आपको सारी अपडेट दी जाएगी चैनल के माध्यम से, तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।